हेलो एवरीवन दिस इज़ निशा चौहान एन योर वॉचिंग लंगविज फन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रिड्यूस सिलेबस लेकर आई हूँ ऑफ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ साइंस एंड केमिस्ट्री सो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा एंड देन वहाँ पर आप टाइप करेंगे सी बी एस ई रिड्यू सिलेबस सो आपके लिए ये विंडो ओपन हो जाएगी एंड देन आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको डिलीटेड सिलेबस भी मिल जाएगा एंड रिड्यूस सिलेबस भी मिल जाएगा तो उसके लिए आपको ये रिवाइज करिकुलम है ये आपको रिड्यूस डिलीटेड uh, देखना है तो आप ये भी देख सकते हैं ये डिलीटेड है ये पोर्शन डिलीट हुए हैं ये वाला भी आप देख सकते हैं डाउनलोड करके एंड सबसे पहले हम न्यू सी बी एस ई क्लास नाइन सिलेबस का देखते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड देन ये विंडो uh, डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद ये आप देख सकते हैं दिस इज़ द सिलेबस फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ दिस इज़ सो आपके लिए नाइन्थ क्लास में क्या क्या रखा गया है इस बार यूनिट वन मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर तो ये आएगा फर्स्ट यूनिट में सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड थर्ड में मोशन फोर्स एंड वर्क फोर्थ आवर इन्वायरमेंट एंड फिफ्थ में फूड एंड फूड प्रोडक्शन सो दिस इज़ द ऑल यूनिट जो आपके नाइन्थ क्लास में इस बार रहने वाले हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन में सो so, इसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं सो दिस इज़ अ डिटेल फॉर नाइन्थ क्लास लेट्स कम ऑन टू टेंथ टेंथ क्लास की डिटेल में आपको फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा केमिकल एंड नेचर एंड बिहेवियर सेकेंड यूनिट में वर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा थर्ड में नेचर फिनोमिना मिलेगा फोर्थ में इफेक्ट ऑफ करंट आने वाला है एंड फिफ्थ यूनिट विल बी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो दिस इज दिलेबस फॉर क्लास टेंथ एंड दिस इज रिवाइज रिड्यूस सिलेबस सो लेट्स कम ऑन टू दिस इज दिलेबस दैट वी हैव सीन अभी हमने नाइन्थ एंड टेंथ का देखा अब हम देखते हैं क्लास आप यहाँ से टेंथ का भी देख सकते हैं दिस इज़ द एलेवेंथ एलेवेंथ क्लास साइंस स्ट्रीम के लिए हम यहाँ पर आप मैथ्स फ़िजिक्स केमिस्ट्री बायो सब देख सकते हैं हम अभी यहाँ पर केमिस्ट्री का देखने वाले हैं सो so, केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कोर्स स्ट्रक्चर टू थाउजेंड एंड थेरी पार्ट में फर्स्ट यूनिट आपका होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सेकेंड में होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम थर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज फोर्थ यूनिट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड सिक्स यूनिट आपका होने वाला है केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स एंड सेवेंथ आपका यूनिट है इक्विलिब्रियम एटथ है रिडॉक्स रिएक्शन एट नाइन्थ हाइड्रोजन टेंथ एस ब्लॉक एलिमेंट इलेवेंथ सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स एंड थर्टीन में हाइड्रोकार्बन्स मिलेगा आपको एंड फोर्टीन में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सो दिस इज द सिलेबस फॉर क्लास इलेवेंथ फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाउ कम ऑन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन का ट्वेल्थ का सिलेबस देखते हैं आपको सॉलिड स्टेट मिल जाएगा एंड देन आपको सेकेंड यूनिट में सोल्यूशन मिल जाएगा थर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिल जाएगा फोर्थ में केमिकल काइनेटिक्स मिल जाएगा फोर्थ में फिफ्थ uh, में सरफेस केमिस्ट्री सिक्स में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स भी दिया है हेलो एल्किस एंड हेलो अरिनस आएगा एल्कोहल्स अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड ईथर्स भी हैं एल्डीहाइड्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हैं अमाइंस बायोमोलिक्यूल पॉलीमर्स एंड द लास्ट यूनिट इज केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ दिस इज द दिस इज फॉर क्लास ट्वेल्थ आप यहाँ इसकी डिटेल देख सकते हैं कि कौन से कौन से टॉपिक्स कवर्ड होने वाले हैं यूनिट्स में सो so ये पूरा यहाँ पर डिटेल दी हुई है सो दैट्स फॉर ऑल टुडे If you like this video, please share and subscribe this channel. Thank you.